साथियों देखते हैं एसईसी बिजनेस कम्युनिकेशन का आंसर की जो कि 16 अक्टूबर 2024 सेकंड सीटिंग हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, बताइएगा आप लोग जरूर। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस हैविंग डैश स्टेप राइट आंसर होगा सी 5 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड राइट आंसर होगा डी शेकिंग हैंड। मिलाते चलिए आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ, आप लोग 70 में कितना सही हुआ कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा, एक एक बच्चा बचेगा। कम्युनिकेशन इज ए डैश प्रोसेस राइट आंसर होगा टू वे बी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन राइट आंसर होगा डी बोथ बी एंड सी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में मिला सकते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। डायगोनल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन राइट आंसर होगा बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना सही हुआ आप लोग का। वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी राइट आंसर होगा बी डेफिनेट। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज डैश कम्युनिकेशन राइट आंसर होगा ए ओरल। रिटन मैसेज कैन बी कैप्ट फॉर फ्यूचर डैश राइट आंसर होगा ए रेफरेंस। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी होगा इसका मीनिंग। लाइक नहीं की तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेरलो लीनियर मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन। इसमें होगा एस एम सी आर बी होगा। वर्ड्स आर राइट आंसर होगा सी सिंबल, सिंबल होगा चिन्ह। टू वे कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव राइट आंसर होगा बी ऑलवेज। वन वे वन ऑन डिस्क्रिप्शन एज ए पर्सन राइट आंसर होगा ए सेल्फ कॉन्सेप्ट, ए होगा स्व अवधारणा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ द इफेक्ट द कम्युनिकेशन राइट आंसर होगा बी फीडबैक, बी होगा फीडबैक। समझ रहे हैं क्या आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ आप लोग का। पीपुल हु एंगेज इन फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग आर कॉल्ड एसर्टिव। ए गुड कम्युनिकेटर इज वन हु अफेक्ट अफेयर हिज हर ऑडियंस राइट आंसर होगा इसका ए प्लेंटीफुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रचुर मात्रा में जानकारी। द प्राइमरी चैनल यूज बाय इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट विथ अदर आर डैश टोन ऑफ वॉइस। क्या होगा टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस होगा। शेयर आवर थॉट आइडियाज एंड फीलिंग थ्रू ए कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड टू बी डी ऑल ऑफ दीज। विच अमोंग दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डी सोरो। मुन्ना वॉन्टेड टू डिस्कस एन इशू विथ ए टीम मेट, वाट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बी वर्बल। द वे वी सीट आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज ए होगा नॉन वर्बल, ए होगा अशब्दिक। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड, फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन सी बोथ ए एंड बी। क्लियर कम्युनिकेशन लीड टू फास्टर वर्क। गोपाल इज स्पीकिंग टू हिज कस्टमर टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हिज बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस वर्बल कम्युनिकेशन। आप लोग दोस्तों सभी बच्चे एक एक बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं सब बच्चे बताएंगे कितना सही हुआ, 40, 45, 50, 60, 70 में 70। जो बच्चे नहीं बताएंगे सर समझ लेना सर, है ना। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कितना सही हुआ। निर्मल एंड उज्जवल टॉक टू ईच अदर, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी होगा वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संचार। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव हुआ लेटिन वर्ड से, लेटिन वर्ड से। कन्वर्टिंग योर आइडिया इनटू मैनेज इनकोडिंग होगा, इनकोडिंग होगा सर। दैट इज द सोर्स ऑफ मैसेज द सेंडर, क्या होगा द सेंडर। चलिए इंटरनेट वाज ओरिजिनली स्टार्टेड विथ यूएस आर्मी होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा सर डाउट है, आप लोग बताइएगा 31 में क्या बनाए सर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर बी होगा 4। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश इज नेसेसरी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। बैरियर इज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल ऑफ दीज होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑल ऑफ दीज होगा। मिलाते चलो कमेंट बताना सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, बताना जरूर ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों का सही हुआ है क्या। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज एम्बिजियस होगा, अस्पष्ट होगा, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, अपना भाई समझ के लाइक कीजिएगा सर, आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। द डैश इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द लेटर सिग्नेचर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए दोस्तों, अभी लाइक कीजिएगा तुरंत, अपना भाई समझ के लाइक कीजिए। 38 जो है उसका राइट आंसर होगा बी फेसबुक, फेसबुक जो लगाएंगे उनका बिल्कुल सही होगा। एक नंबर का है सब, 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन एक एक नंबर का है। डैश इज एन ऑनलाइन कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम एकिन टू नॉर्मल मेल, ये होगा ईमेल। सर लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना भाई समझ के जरूर लाइक कीजिएगा। और सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में कितना सही हुआ, 50, 60, 70 में 70, 45, 38, 68, 66 जितना सही हुआ। बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं, अपना चल समझ के, अपना भाई समझ के बताना है सर कमेंट में। कम्युनिकेशन बिटवीन टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डैश चैनल कैन कम्युनिकेट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा, बी होगा हॉरिजॉन्टल, 36 होगा, ठीक है। 41 डैश लेटर इज रिटन व्हेन ए पर्सन डिसाइड टू क्विट द ऑर्गेनाइजेशन, बी होगा रिजाइनेशन, क्या होगा सर रिजाइनेशन होगा। समझ रहे हैं क्या सर, बोलो फटाफट से, रिजाइनेशन होगा। लेटर ऑफ डैश कम्युनिकेट द कैंडिडेट विलिंग टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, ए होगा एक्सेप्टेंस, ए होगा स्वीकृति। सर मैडम इज वेरी फॉर्मल सैल्यूशन होगा, सितंबर 18, 2023 इज द डैश वे ऑफ रिटन राइटिंग द डेट इन द फॉर्मल लेटर, अमेरिका होगा अमेरिका। चलिए कोटेसी इज ए मैटर ऑफ ट्रीटिंग द रीडर विथ रिस्पेक्ट। लिसनिंग इज ए डैश एक्टिविटी मेंटल,
फेक लिसनिंग इज ए प्रिटेंडेड, जजिंग इज ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। फटाफट से मिलाते हैं, चलो सब बताएंगे कमेंट में, लाइक जरूर कर दीजिएगा अपना भाई समझ के, घबराना नहीं, अपना चैनल है, कुछ भी कमेंट जरूर कीजिएगा बताना। परसेप्शन ऑफ द साउंड, इंटरप्रिटेशन, इवेल्यूशन एंड एक्शन आर द फोर स्टेजेज है, तो लिसनिंग हो जाएगा। लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमेनेटिक, अर्थ संबंधी। यूज ऑफ स्लैंग इज द बैरियर ऑफ, यहाँ कल्चर होगा, बैरियर ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक होगा। रेसिस्टेंस टू चेंज इज द बैरियर ऑफ सेमेनेटिक, सेमेनेटिक होगा, अर्थ संबंधी। पॉलिटी ट्रांसलेशन इज द बैरियर ऑफ सेमेनेटिक, अर्थ संबंधी ये भी होगा। डैश इज द टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक वाचन। लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एंड डिसाइडेड इन ए मीटिंग इज कॉल्ड ए एजेंडा, कार्यसूची। साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें हमने ये बताया है, घबराना नहीं है, अपना चैनल समझना सर बिल्कुल नहीं, और कमेंट में आप बता सकते हो जो भी आपको डाउट होगा। तो एन एजेंडा इज प्रिपेयर इन कनेक्शन विथ मीटिंग होगा सभा। डैश इज द कम्युनिकेशन विच कंटेन द डिसीजन ऑफ मीटिंग, मिनट्स होगा, मिनट होगा। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, ये होगा कम्युनिकेशन स्किल। मिलाते हैं चलो, ए सर्कुलर इज ए फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, सामूहिक संचार होगा। डनिंग लेटर ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन लेटर होगा, उगाही पत्र होगा। डैश मीन द पोजिशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी वेन स्टैंडिंग और सिटिंग, पोस्चर्स होगा, हाव भाव। वन करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेमो इज कंसाइज होगा, ठीक है क्या होगा, कंसाइज होगा, संक्षिप्त होगा। द मेन पर्पज ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए डिस्कशन क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल क्या होगा, सामूहिक संचार कौशल। आइडेंटिफाई बैरियर ऑफ लिसनिंग ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी। क्रोनिमीज इज ऑल्सो कॉल्ड डैश लैंग्वेज, तो यहाँ टाइम होगा क्या होगा, समय। लाइक नहीं किया तो अपना भाई समझ के दोस्तों लाइक कीजिएगा सर, ठीक है। डैश टेल हाउ आवर बॉडी कम्युनिकेट, तो किनेसिस होगा, शरीर की भाषा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, तो रेफरेंस लेटर होगा। विच इज नॉट वन ऑफ द थ्री, इसमें बताइएगा क्या है, थोड़ा सा डाउट है बताइएगा, इसमें ऐसे दी है। विच इज नॉट वन ऑफ द थ्री पर्पज फॉर गिविंग ओरल प्रेजेंटेशन, टू डिबेट होगा, क्या होगा, बहस करना। सही बच्चे कॉमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ आप सभी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल, एक्टिव लिसनिंग, क्या होगा, सक्रिय श्रवण। अकॉर्डिंग टू मेहरबियन द रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड, टोन, वॉइस वाला, तो बी होगा, 7%, 38% एंड 55%। साथियों टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विवेक क्वेश्चन वहीं मिलेगा, पीडीएफ वहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन वहीं मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो का लिंक भी आपको वहीं मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा अपना भाई समझ के, और कमेंट कीजिएगा कितना सही हुआ सर, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, कमेंट बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।